आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 मिनट में तैयार होने वाले आलू के भरते की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने 1/2 किलो के करीब आलू लिए हैं। आलू को हम उबाल लेंगे 2 सीटी आने तक। अब आलू ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे हाथों से ऐसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो सारे आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो कढ़ाई में मैंने 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा चटक जाएगा, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कट करके डाली हैं। अब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से डालें। अब इन सब को हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाने तक हम इसे भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से पक जाए। अब 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें लास्ट में बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब आलू का भरता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप गर्मा गर्म इसे सर्व करें खिचड़ी के साथ, चावल दाल के साथ। इस स्टफिंग से आप आलू पराठा भी बना सकते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।